नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। सिरासीता में निर्माण कार्य को लेकर धर्मावलंबियों में आक्रोश। सरना धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल सिरासीता धाम के जमीन विवाद के मामले को लेकर एक पक्ष के लोग थाना पहुंचे और थाना पहुंचकर थाना प्रभारी मनीष कुमार को सारी जानकारी दी। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा बैठक में नहीं पहुंचने से सरना धर्मावलंबियों ने नाराजगी जाहिर की। वहीं विवादित मामले के दूसरे पक्ष के नहीं आने पर सभी लोगों ने डुमरी थाना पहुंचकर थाना प्रभारी से बात की। इस पर थाना प्रभारी मनीष कुमार फौरन विवादित स्थल पहुंचे और निरीक्षण किया, जहां सरना समुदाय के लोगों ने बताया कि यह स्थल सरना समाज का प्राकृतिक धरोहर एवं सृष्टि स्थल है। आइए बता दें आपको कि क्या था मामला। सिरासीता धाम, जिसकी मान्यता सरना धर्म के सृष्टि स्थल के रूप में है, सरना समाज के लोग इसका ककडोलता के नाम से भी मानते हैं। यहाँ एक डाड़ीनुमा जलकुंड है, जहाँ से सदैव शुद्ध जल प्रवाहित होता रहता है, जिसमें वर्षों से देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी निवास करने वाले सरना समाज के लोग अपनी आस्था व भक्ति रखते हैं। इनका आरोप है कि कुछ दिन पूर्व देवचरण भगत पुरखा पचवल ट्रस्ट के नाम पर एक ही परिवार के लोग इस ऐतिहासिक धरोहर में दावा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो सरना धर्मावलंबियों की भावनाओं को आहत करता है। वहीं उन्होंने कहा कि जलकुंड में ईंट व सीमेंट चार दीवारी दे देने से उसका प्राकृतिक स्वरूप पूरी तरह से बिगड़ गया है। वहीं इससे पानी के स्रोत के बंद होने की भी संभावना बनी हुई है। सरना धर्मावलंबियों ने आरोप लगाया है कि जमीन विवाद का मामला लंबित होने के बावजूद निर्माण कार्य क्यों किया जा रहा है। सरना समुदाय के लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि प्रशासन हस्तक्षेप करते हुए ऐसे निर्माण कार्य को अविलंब बंद कराए। इससे मर्माहत धर्मावलंबियों में आक्रोश की भावना बढ़ रही है। इस पर पुलिस प्रशासन ने संवैधानिक तरीके से मामले का निपटारा कराने का आश्वासन दिया। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।